हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। 21 फरवरी 2019 की प्रीलिम्स एडिटर सीरीज में आपका स्वागत है। चलते हैं आज ये हमारे कुछ क्वेश्चंस की तरफ। जो पहला क्वेश्चन यहाँ पे आया है वो आया है एक हार्वेस्ट फेस्टिवल को लेके। फेस्टिवल कौन सा है वो यहाँ पे आपके सामने दिया गया है, वांगला हार्वेस्ट फेस्टिवल कहाँ पे सेलिब्रेट किया जाता है, ये क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन आपके सामने मणिपुर, दूसरा है मिजोरम, तीसरा है नागालैंड और चौथा है मेघालय। देखो, जो हार्वेस्ट फेस्टिवल होते हैं ना, इनके बारे में कई बार यूपीएससी पूछ लेती है और काफ़ी यह इंपॉर्टेंट भी रहते हैं हर साल, तो इनके बारे में हम देख लेते हैं। जो वांगला हार्वेस्ट फेस्टिवल है ये मेनली है, यहाँ पे हम बात करें तो आता है मेघालय। मेघालय के अंदर एक ट्राइब है गारो ट्राइब। आपको पता है मेघालय के अंदर गारो खासी जयंती की पहाड़ियाँ हैं, तो वहीं पर जो गारो हिल्स हैं वहाँ पर गारो ट्राइब रहती हैं और वो बेसिकली इस फेस्टिवल को या जो वांगला जो फेस्टिवल है इसको मनाती हैं हर साल। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि वांगला फेस्टिवल किससे रिलेटेड है, कौन से स्टेट से है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो आया है आडू अटोल को लेके। अटोल के बारे में देखो, अभी हमने डिस्कस किया था 2 दिन पहले ही, तो अभी आडू अटोल है न्यूज़ में भी था, वो ये कहाँ पे लोकेटेड है। देखो, आडू अटोल की हम बात करें तो यह लोकेटेड है मालदीव में। इसको मेनली इसका दूसरा जो नाम है वो यहाँ पे सेनू अटोल भी है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगर सेनू अटोल नाम आ जाए या फिर बात आ जाए यहाँ पे आडू अटोल, तो आपको ये पॉइंट है वो ध्यान में रखना है मोटे मोटे तौर पर कि भाई है कहाँ पर ये। अभी ये इम्पोर्टेंट था, न्यूज़ में था, तो इसलिए देखो अभी यहाँ पे क्वेश्चन बनने के चांसेस हो जाते हैं डायरेक्टली। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गुरु रविदास को लेके। कल ही हमने आर्टिकल डिस्कस किया था। पहला स्टेटमेंट ये है कि वो सिखों के 8वें गुरु थे और यंगेस्ट की बात करें तो 10वें गुरु थे। और दूसरा स्टेटमेंट ये कह रहे हैं कि जो आदि ग्रंथ है वो उनके द्वारा पोएम भी लिखा गया था। इसके साथ ही उनका जो यहाँ पे बात की है कि जो स्कल्पचर है वो एक्चुअली सिखिज्म को यहाँ पे बिलोंग है, वो करता है सिखिज्म को लेकर स्कल्पचर बनाया गया है। तो अब आपको बताना है कि दोनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। देखो, पहला स्टेटमेंट हम देखें भाई, 8वें गुरु तक कोई उनका लिंक था ही नहीं, तो ये कहीं ना कहीं गलत है, क्योंकि वो तो धर्म सुधार के मामले में उनका काफ़ी अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा था, इसके साथ ही वो महान कवि भी थे। तो मतलब पहला स्टेटमेंट साफ साफ गलत है, दूसरा बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ओनली बी, सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो है नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन प्रोजेक्ट के बारे में। देखो, अभी यह वर्ड न्यूज़ में भी था, नेशनल रूरल इकोनॉमिक ट्रांसपोर्टेशन प्रोजेक्ट यानी कि NREPTP। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया कि ये जो प्रोजेक्ट है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना है जो कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है उसके अंतर्गत है। वो दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इट इज़ इम्प्लीमेंटेड थ्रू लोन असिस्टेंस फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक, मतलब कि वर्ल्ड बैंक के द्वारा लोन के तौर पे असिस्टेंस या पैसा दिया जाएगा और उसके द्वारा इस स्कीम को या इस प्रोजेक्ट को इम्प्लीमेंट है वो किया जाएगा। हमें यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट की बात की गई है, तो देखो आप सोच लिया होगा आपने इसका आंसर। यहाँ पे दोनों के दोनों स्टेटमेंट है वो सही हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना चलाई गई थी जो कि आपको पता है कि नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन था, जिसमें लोगों की आजीविका सुनिश्चित करने के लिए अभियान चलाया गया था, वो एक्चुअली वर्ल्ड बैंक की असिस्टेंस के द्वारा ही चलाया जा रहा है, मतलब वर्ल्ड बैंक के द्वारा उसमें फाइनेंशियल सपोर्ट है वो दिया जा रहा है। तो पहला स्टेटमेंट भी सही है और दूसरा भी यहाँ पे सही है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो आया है यहाँ पे न्याय बंधु एप्लीकेशन को लेके, कि न्याय बंधु एप्लीकेशन है वो भी न्यूज़ में था। पहला स्टेटमेंट यहाँ पे क्या है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का है, दूसरा स्टेटमेंट है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज का है, तीसरा है गवर्नमेंट ऑफ आसाम का है और चौथा है नन ऑफ द अबो। तो देखो, हम यहाँ पे बात करें न्याय बंधु एप्लीकेशन के बारे में, तो ये मेनली मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस का है, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस का है, ये हमें ध्यान में रखना है, जो कि एक्चुअली ये भी न्यूज़ में भी आया था। ये एक्चुअली टेली लॉ और न्याय बंधु इसका फुल फॉर्म है, तो आपको ध्यान में रखना है। ये एक मोबाइल एप्लीकेशन था जो कि फ्री में लीगल जो सर्विसेज हैं वो प्रोवाइड करने के लिए, जैसे कि दूर दराज एरिया में या फिर रूरल एरिया में जो लोग जिनके पास पैसे नहीं होते हैं वो जुडिशरी की सर्विसेज नहीं ले पाते हैं, तो उनको फ्री भी जो भी एडवाइस वगैरह देनी हो वो सब इस प्लेटफॉर्म के थ्रू प्रोवाइड है, वो करवाई जाएगी। तो ये इफेक्ट हमें ध्यान में देना है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है NTAC। NTAC का मतलब है नेशनल टूरिज्म एडवाइजरी काउंसिल। पहला स्टेटमेंट यह है कि एक स्टेचुरी बॉडी है जो कि नेशनल टूरिज्म डेवलपमेंट एक्ट 2003 के तहत डेवलप की गई है। और दूसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये कह रहा है कि इसका कार्यकाल 3 साल के लिए होता है और बाद में इसको परमानेंट है, इसकी जो वैलिडिटी है वो इन्फिनिटी टाइम पे एक्सटेंड है वो कर दी गई है। हमें यहाँ पे पूछा क्या गया है, हमें देखो यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछा है, जबकि हम बात करें NTAC के बारे में तो यह एक्चुअली कोई स्टेचुरी बॉडी नहीं है। पहला फैक्ट तो यहाँ पे आ जाता है, यह हमें ध्यान में रखना है। यह एक्चुअली एक थिंक टैंक है, यह आपको ध्यान में रखना है मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म के लिए। मतलब थिंक टैंक क्या होते हैं, जो रिसर्च वगैरह हो, जो भी रिपोर्ट्स वगैरह हैं उनको स्टडी वगैरह करने का काम है वो करती हैं। तो मतलब पहला स्टेटमेंट यहाँ पे गलत होगा, क्योंकि कोई स्टेचुरी बॉडी के तौर पर यह नहीं है। और बेसिकली है वो 2016 में बना था और जो कि चेयरपर्सन है वो इसके मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म होते हैं और उनका कार्यकाल 3 साल का होता है। अभी तक कोई परमानेंट की बात या इन्फिनिटी टाइम की बात है ही नहीं, मतलब
पहला स्टेटमेंट गलत, दूसरा गलत, इसका मतलब आंसर डी हो जाएगा, ना तो पहला सही है ना ही दूसरा सही है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है सफर मोबाइल एप्लीकेशन को लेके। पहला ऑप्शन आपके सामने दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, दूसरा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, तीसरा दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, और चौथा ऑप्शन दिया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट। तो देखो सफर ऐप के बारे में बात करें, दो तरह के सफर ऐप हैं। एक तो हम जो यहाँ पे ऑप्शन के हिसाब से देखो तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। क्या है इस एप्लीकेशन के बारे में वो हम देख लेते हैं, काफ़ी अच्छा है एक्चुअली। ये इसका मेन फीचर ये था कि जो रोड ट्रांसपोर्ट के दौरान जो भी इश्यूज या प्रॉब्लम फेस करते हो वो आप इस सफल जो मोबाइल एप्लीकेशन है इसकी हेल्प से उनको मतलब रजिस्टर करवा सकते हो, और फिर उन जो लोकेशंस वगैरह से मान लो कि आप रोड पर जा रहे हो कहीं ऐसा गड्ढा वगैरह है तो उनको आप नेशनल हाईवे वगैरह की जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ पर अपडेट कर सकते हो ताकि गवर्नमेंट उसके लिए एक्शंस वगैरह वो प्रोवाइड ले सके। तो मैंने जो ट्रांसपोर्टर हो गए, जो ट्रक ड्राइवर हैं, जनरल पब्लिक वगैरह हैं, वो वहाँ पर अपनी लॉजिस्टिक्स सर्विस की रिपोर्ट्स वगैरह हैं वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री को सबमिट कर सकती हैं। थोड़ा कन्फ्यूजन भरा है, देखो आपको लगेगा कि ऑब्वियसली मतलब रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री का होगा, नहीं भी ऐसा नहीं है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का है जो कि 8 लैंग्वेज वगैरह में ये हो गया। एक सफर एप्लीकेशन दूसरा भी है जो कि एक्चुअली मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का है, ये आपको ध्यान में रखना है, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा भी जो सफर एप्लीकेशन दूसरा है वो है उसकी फुल फॉर्म है यहाँ पे सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी वेदर फॉरकास्टिंग एंड रिसर्च, जो कि एक मोबाइल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है और मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का है, मतलब एयर क्वालिटी को लेके और वेदर को लेके एप्लीकेशन जारी किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ एंड साइंस का, ना कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट वगैरह का। तो ये थी सफर ऐप के बारे में। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है डिस्कशन का वो है प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के बारे में, PMAYG, मतलब प्रधानमंत्री जो आवास योजना थी उसके ग्रामीण वाले पार्ट की। तो आप ये बताइए, देखो हमने इस स्कीम के बारे में बहुत बार डिस्कस किया है कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना है वो कौन सी मिनिस्ट्री की है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन आया है, या फिर आप इसके बारे में बताइए कि मिनिस्ट्री कौन सी है, इसके लिए कौन सी मिनिस्ट्री इस प्रोजेक्ट को या इस स्कीम को इम्प्लीमेंट है वो कर रही है। कंटेक्स्ट देखो अभी यह है कि प्रधानमंत्री जो आवास योजना ग्रामीण वाली है इसका अभी सेकेंड फेज है, वो स्टार्ट किया जाने की बात है मार्च 2019 से, तो उसको लेके आए। अब देखो यहाँ पे इसके दो तीन इंपॉर्टेंट फैक्ट देखते हैं। पहला फैक्ट तो ये है कि जो प्रधानमंत्री आवास योजना कोई नई स्कीम नहीं है, नई योजना नहीं है, इससे पहले ही एक योजना या एक स्कीम चलाई गई थी, इसका नाम था इंदिरा आवास योजना IAY, और इसी को बाद में रिस्ट्रक्चर कर गया, इसमें चेंजेस करके 2016 में नई स्कीम चलाई गई थी, उसका नाम चेंज किया गया था, वो था प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण। इसका मेन मोटो ये था कि भाई 2022 तक हमारे देश के जो रूरल एरिया में लोग हैं उनको बेसिक फैसिलिटी के घर हैं वो मुहैया करवाए जा सकें, क्योंकि देखो गवर्नमेंट का टारगेट रखा गया है कि 2022 तक सभी को घर मिले, सभी को बिजली मिले, सब किसानों की इनकम और डबल हो सके, काफ़ी सारे गवर्नमेंट ने टारगेट हैं वो रखे हैं, तो उन्हीं की दिशा में घर प्रोवाइड करवाने के लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट है वो किया गया है। एक फैक्ट ये ध्यान रखना है कि यह सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है या सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, ना कि सेंट्रल सेक्टर। देखो दो वर्ड का आपने काफ़ी बार देखे होंगे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड। सेंट्रल सेक्टर का मतलब ऐसे याद रखना कि सेंट्रल सेक्टर का मतलब यह कि केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट ही जो कुछ करेगी वो सब करेगी, पैसा भी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी, इंप्लीमेंट भी सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, जो भी सारा काम है वो सेंट्रल गवर्नमेंट करेगी, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है तो। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड का मतलब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर कर रही है, मतलब सारा पैसा नहीं देगी, कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी और बाकी स्टेट वगैरह को देना होता है। खैर वो अलग बात है कि यूनियन टेरिटरी में सारा पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट को देना होता है। अब देखो जो कॉस्ट की बात करें, जो सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम होती है इसमें तीन तरह के मेथड होते हैं। नॉर्मल जो स्टेट होते हैं जो कि मतलब कोई इश्यू वगैरह नहीं है उनमें, वहां पे 60% का हिस्सा है वो तो देती है सेंट्रल गवर्नमेंट और 40% स्टेट को देना होता है, मतलब जो प्लेन स्टेट हो गए जहाँ पे हिल वगैरह नहीं है, और उसके बाद में जैसे कि उत्तराखंड हुआ, हिमाचल प्रदेश से स्टेट हो गए, वहाँ पे 90% पैसा है वो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, 10% पैसा स्टेट गवर्नमेंट देती है। और फिर बात करें नॉर्थन स्टेट, तो वहाँ पे भी कुछ ऐसा ही कॉन्सेप्ट होता है, और यूनियन टेरेटरी वगैरह की बात करें तो वहाँ पे 100% पैसा ही सेंट्रल गवर्नमेंट है वो देती है। अब देखो जो इसके बेनिफिशियरी हैं या जो इसके लाभार्थी हैं वो सिलेक्ट किया जाएंगे 2011 का जो सोशल इकोनॉमिक कास्ट सेंसस हुआ था उसके डाटा को यूज़ करते हुए लोगों को घर है वो मुहैया करवाए जाएंगे। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल जिसे हमने यहाँ पे कवर किया है। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान को लेकर। कंटेक्स्ट ये आया है कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, जिसके चेयरपर्सन कौन होते हैं आप ये बताइए कि कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के चेयरपर्सन कौन होते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है। इसमें हाँ कंटेक्स्ट ये था कि जो कैबिनेट कमेटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है उसने अभी किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान है उसके ऑब्जेक्टिव
के लिए जो फाइनेंशियल एंड जो वाटर सिक्योरिटी है किसानों को उसकी तरफ मतलब फोकस या स्टेप है वो उठाया है। है क्या इस स्कीम में? इस स्कीम के देखो मेनली तीन कंपोनेंट है। पहला कंपोनेंट तो ये है कि हमारे देश में 10,000 मेगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी सोलर एनर्जी है, सोलर पावर प्लांट है रिन्यूएबल एनर्जी के, वो स्थापित की जाए डिसेंट्रलाइज वे में, मतलब विकेंद्रीकृत व्यवस्था में। ये तो इनिशिएटिव है, एक कंपोनेंट। तो दूसरा कंपोनेंट ये है कि 17.5 लाख मतलब 17.15 लाख जो सोलर वाटर पंप है वो स्थापित लगाए जाएंगे रूरल एरिया में, कि मतलब किसानों को 17.5 लाख पंप हैं वो वहाँ पे लगाने हैं। और तीसरा स्टेटमेंट यहाँ पे ये है, तो तीसरा जो कंपोनेंट वो ये है कि 10 लाख जो ग्रिड हैं किसानों की, मतलब 10 लाख किसान ऐसे हैं जिनको एक्चुअली एग्रीकल्चर जो पंप वगैरह हैं वो मैनली सोलर ग्रिड से कनेक्ट किया जाएंगे ताकि उनको पैसा है वो मिल सके, सॉरी जो उनको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकें और फिर वो अपनी आजीविका को कंटिन्यू है वो कर सके। तो मैनली हम बात करें तो सोलर एनर्जी से किसानों को बेनिफिट मिलेगा, इसके लिए तीन कम भाग हैं इसके रखे गए हैं। तो देखो तीनों पॉइंट हम मेंस में यूज हैं वो कर सकते हैं। तो एक तो इफेक्ट आपको ध्यान में रखना है कि इसमें सोलर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने की बात है, जिससे किसानों की जो पॉकेट पे एक्स्ट्रा खर्चा होता है बिजली के बिल का वो कहीं ना कहीं कम होगा और पोल्यूशंस भी हमें कम देखने को मिलेगा। और जो इसमें टोटल फाइनेंशियल सपोर्ट है वो देखो अमाउंट वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, और 2022 तक गवर्नमेंट का उसे टारगेट ये रखा गया है कि इन तीनों ही कंपोनेंट को सक्सेसफुली इंप्लीमेंट किया जाए और 2022 तक हम 25,750 मेगावाट इलेक्ट्रिसिटी है वो एक्चुअली सोलर कैपेसिटी के थ्रू अपनी डेवलप कर लें। तो ये इसके आउटकम हमने आज स्टेप हम देखें। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है स्वायत्त को लेके। देखो ये एक इनिशिएटिव है वो स्टार्ट किया गया है जो कि हमारे देश में स्टार्टअप्स हैं उनमें वुमेन और जो यूथ है इसके पार्टिसिपेंट को सुनिश्चित करने के लिए है। और क्या है इसमें देखें, देखो गवर्नमेंट का एक पोर्टल था, एक प्रोग्राम था, वो था GEM गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। तो इस गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ना, इसमें ई ट्रांजिशन के थ्रू जो स्टार्टअप हैं, महिलाएं हैं, यूथ हैं, उनको बढ़ावा देने के लिए, मतलब हमारे देश में स्टार्टअप का माहौल बढ़ाने के लिए स्वायत्त इनिशिएटिव स्टार्ट किया गया है। स्वायत्त का मतलब खुद से ही आपको स्टार्टअप वो सब करना है। तो ये आपको ध्यान, इसमें होगा क्या कि जो भारत के जो भी इंटरप्रेन्योर्स वगैरह हैं, जो भी स्टेक होल्डर हैं गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस वगैरह से, जो इंटरप्रेन्योर्स वगैरह इकोसिस्टम है वो डेवलप करके और गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस से उनको कनेक्ट कर दिया जाएगा। आप ये बताइए कि जो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है कौन सी मिनिस्ट्री का यह एक इनिशिएटिव है? देखो मैंने आज आपको तीन क्वेश्चन पूछे, आप प्लीज़ तीनों क्वेश्चन का आंसर वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है ऐसे, देखो क्वेश्चन पूछने से क्या होता है कि जो रिवीजन है वो साथ साथ होता रहता है क्योंकि हम इन चीज़ों के बारे में अभी ऑलमोस्ट वो साथ साथ ही डिस्कस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है वो है GEM स्टार्टअप रनवे, यानी जेम स्टार्टअप रनवे। है क्या ये? जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक प्लेटफॉर्म, रनवे का मतलब क्या होता है, प्लेटफॉर्म ही तो होता है एक तरीका, वो प्रोवाइड करवाने के लिए। मतलब क्या है कि हमारे देश में जो स्टार्टअप इंडिया प्रोजेक्ट था इसके तहत जो भी स्टार्टअप स्टार्ट हुए हैं उनको पब्लिक प्रोक्योरमेंट मार्केट तक पहुंचाने के लिए एक रास्ता है, एक प्लेटफॉर्म है, वो मुहैया करवाया जाएगा इसके तहत। तो सीधी सी बात, जो अभी हमने आर्टिकल डिस्कस किया था ना स्वायत्त, उसी का एक पार्ट है कि स्टार्टअप रनवे उनको दिए जाएंगे ताकि वो अपना मार्केट है जो भी अपनी प्रोडक्ट्स वगैरह उनको ईजिली मार्केट में सेल है वो कर सकें। तो उसको लेके है आर्टिकल था, तो छोटी सी न्यूज़ थी इसे हमने यहाँ पर कवर किया था। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो यहाँ पर आया है ब्रेम्बल कई मेमो मिस को लेके। क्या है सॉरी मेलो मिस? देखो मेनली ये चूहे जैसी एक स्पेसीज है जो कि मैम आपको ध्यान में रखनी है। कंटेक्स्ट अभी यह है कि ये जो प्रजाति है ये अभी लुप्त हो चुकी है, और इसका आवाज़ कहाँ पे था पहले, उसका आवाज़ था वो था ऑस्ट्रेलिया में। एक सेकंड देखो हम थोड़ा मैप में देख लेते हैं, ये है आपके सामने ऑस्ट्रेलिया, और ऑस्ट्रेलिया और जो यहाँ पे पापा न्यू गिनिया जो कंट्री है इसके बीच में एक स्टेट है जिसका नाम है टोरस स्टेट। तो इस वाले जो टोरस स्टेट के जो पास वाला एरिया है ना, इस वाले एरिया में ये स्पीसीज है वो पाई जाती थी। क्या नाम है इस स्पीसीज का? ब्रम्बल कई मेलो मिस। तो ये स्पीसीज यहाँ पे पाई जाती थी, चूहे जैसी थी, और अभी ये लुप्त हो चुके हैं। पिछले 10 साल से इसके कोई भी एविडेंस है वो यहाँ पे नहीं देखे गए हैं। तो मैंने लिए लेके इसको कंटेक्स्ट बताया था, और ये बताया जा रहा है कि जो क्लाइमेट चेंज हुआ है उसके रीजन की वजह से ये सबसे पहली ऐसी प्रजाति है अर्थ की जो विलुप्त हुई है, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से ये प्रजाति है वो लुप्त हुई है। ये बेसिकली इसका मेन कंटेक्स्ट है, तो यह हमें ध्यान में रखना है। क्यों? क्योंकि क्लाइमेट चेंज की वजह से यहाँ पर जो सी लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ रहा था, उसके वजह से जो यहाँ पे आइलैंड थे उन आइलैंड में स्पीसीज है वो पूरी तरीके से ख़त्म है, वो हो चुकी है। तो यह हमें ध्यान में रखना है। वहाँ पे एक्चुअली सैंड आइलैंड थे छोटे छोटे इस वाले एरिया में, और उन आइलैंड पर इनका आवाज़ था, बट जो ही सी लेवल बढ़ा तो वो धीरे धीरे ख़त्म हो चुके हैं। ये हमें ध्यान में रखना है। और एक फैक्ट आप ये ध्यान रखना कि इंटरनेशनल यूनियन फॉर
कंजर्वेशन ऑफ नेचर यानी कि IUCN है, उसके अकॉर्डिंग जो ऑस्ट्रेलिया है वो वर्ल्ड का सबसे हाईएस्ट रेट एनिमल एक्सटेंस है, मतलब क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो एनिमल है वो एक्सटेंड या लुप्त होते जा रहे हैं। तो ये कंटेक्स्ट भी है, हम एक कंटेक्स्ट को जो शामिल हैं वो कर सकते हैं। तो ये इफेक्ट हमें ध्यान में रखना है, UPSC इसके बारे में पूछ सकती है कि काफ़ी जल्दी यह लुप्त है वो हुआ है। तो देखो ये थी बेसिकली आज की हमारी डिस्कशन, तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है। और आपको जो PDF वगैरह है, फिर जो और भी क्वेश्चंस वगैरह MCQ, वो आपको टेलीग्राम पे हमारा चैनल है वेलकम UPSC, वहाँ से आप जाके इनको PDF वगैरह जो कंटेंट है वो आप सब डाउनलोड कर सकते हो। तो फिलहाल की डिस्कशन में इतना ही है, तो थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।